प्रभाकर वस्त्रम संस्था में महिलाओं के लिए खास तौर पर घूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं राजस्थानी परिधानों में पहुंची। इन पोशाकों में यह महिलाएं बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। आमतौर पर घर के कामकाज में व्यस्त रहने वाली इन महिलाओं ने हरियाली तीज मनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइनर से भारतीय संस्कृति में पोशाकों को डिजाइन करवाया। इस मौके पर सपना महिलाओं ने जमकर डांस किया और इन महिलाओं ने बताया कि यह पोशाक हमारे शौर्य गाथा का हिस्सा है और साथ ही में इसमें पश्चात संस्कृति से दूर भारतीयता की झलक मिलती है। और साथ ही में इस कार्यक्रम की आयोजक और प्रभाकर वस्त्रम की डायरेक्टर मोना सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने महिलाओं को भारतीय शुक्र से जोड़ने की कोशिश की है, साथ ही हम महिलाओं को रोजगार देने का काम भी करते हैं और शतरानियों के मेकअप से लेकर पोशाक तक का कार्य हमारी सहयोगी महिलाओं को मिला है, तो यह कार्यक्रम रोजगार दिलवाने में भी मदद कर रहा है। इस कार्यक्रम के लिए पोशाक बनाने वाले डिजाइनर्स ने बताया है कि आपकी प्रभाकर वस्त्र उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं किरण सिंह राठौर, श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडी सेना से प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष। यहाँ पर पहले हम जो एक आप वेशभूषा दिख रही है, यह हम क्षत्रियों का अपना एक शौर्य का गुमान लेकर, अभिमान लेकर हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं एक क्षत्राणी जो कि हमारी मोना वाइसा, इन्होंने हम सबको एक ग्राउंड बोल सकते हैं, एक जगह दी है जहाँ हम अपनी वेशभूषा का और अपने घूमर को प्रेजेंट कर सकें। यहाँ पर हम हरियाली तीज का प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे मोना बाईसा हैं, ये हमारे क्षत्रियों का गौरव है, अभिमान है, क्षत्राणियों का शोरमोर है, जिन्होंने अपनी एक प्रभाकर वस्त्रालय करके एक फैक्ट्री डाल रखी है, जहाँ पे कि 200 से 300 वर्ग की, सामान्य से लेके हर वर्ग की महिलाएं वहाँ पे रोजगार पा रही हैं। और ये हमारे लिए बड़ी बड़ी गौरव की बात है जो ऐसी हमारी बीच की एक क्षत्राणी अपने परों के साथ आसमान को छू रही है। जी हाँ, नमस्कार। ओम नमो श्री मंजुनाथा। परम पूज्य डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी को मेरा सादर प्रणाम। स्वरोजगार को लेकर मैं अक्सर अपने इवेंट्स करती हूँ और आज इस घूमर के माध्यम से हमने कई स्वरोजगारी महिलाओं को भी बुलाया है, जैसे कि कोई फैशन डिज़ाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, कई बच्चे हैं, मॉडल्स हैं, जो अपनी मेहनत से अपने घर बैठे रोजगार कर रहे हैं। जैसे आज ये छत्राणियाँ जो तरीके तरीके के पोशाक पहने हुए हैं, ये पोशाक कहीं ना कहीं फैशन डिज़ाइनर्स और मध्य प्रदेश की ही महिलाओं ने सिले हुए हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, इन पोशाक की बिक्री भी हमारे मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसी कई छत्राणियाँ हैं जो अपनी इन पोशाकों की दुकान घर से चलाती हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरीके से पारंपरिक परिधान को प्राथमिकता देते हुए इस घूमर समारोह का हमने आयोजन किया। साथ ही में घूमर जब प्रोग्राम होता है और छत्राणी ना हो तो घूमर का कोई आनंद नहीं, और उसका मुख्य अतिथि अगर करणी सेना से ना हो तो उसका कोई आनंद नहीं। कहते ना कि एक हर चीज़ का एक मतलब, जैसे कोई भी पूजा हो, गणेश ना हो तो पूजा नहीं, और घूमर है, करणी सेना ना हो तो घूमर नहीं। क्यों जी, जैसा हुक्म। तो इस तरीके से हरतालिका तीज पे महिलाएं, एक ऐसा दिन हरतालिका तीज का होता है जिस दिन महिलाएं सज सबर कर कुछ रंग बिरंगे हरे कपड़े, झूले, सावन, आज के दिन कहते हैं बेटियां मायके पहुंच जाती हैं और फिर मायके में जो झूले डलते हैं, जो अपने बचपन की यादों को फिर तरोताज़ा करती हैं, झूमती हैं, नाचती हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम मैंने सोचा कि क्यों ना हरियाली तीज के दिन हम ऐसा प्रोग्राम रखें कि महिलाएँ फिर से झूमें, नाचें। मैंने भी सोचा कि मैं भी पोशाक पहन कर आऊँ, लेकिन मैंने क्या सर पोशाक इसलिए नहीं पहना क्योंकि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइज़र मतलब मुझे काम करना है। मैं चार आदमियों के बराबर काम करती हूँ, दौड़ना, भागना, तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे आदमी से अच्छा पोशाक कोई समझ में नहीं आता कि जी। देखिए, इसके ज़रिए बिल्कुल आपको पता है, इसके ज़रिए ही रोज़गार मिलेगा जी। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें छत्राणियाँ आई हैं जो कि बड़े बन सवर के रहती हैं, जिनको ज्वेलरी भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए, तो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, इनको तो रोज़गार ही मिल गया क्योंकि ये कस्टमर हैं हमारे। और इन ये कहते ना, छत्राणी अगर नाराज़ हो जाए ना तो कितने बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे?
क्योंकि बिक्री खत्म हो जाएगी। बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाली, जब ये लगाती हैं तब बिकती हैं, और जब ये बिकती हैं तो कई घरों में रोजगार मिलता है। तो छत्राणियों का भी रोजगार में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब छत्राणी तो बची है जो सजती सबरती है, वरना आज कपड़ों में जो अश्लीलता फैला के रखी। सर, मेरा नाम पद्मिनी राजपूत है। मैं मोना मैम के लिए ड्रेस डिजाइनिंग का काम करती हूँ। अब भी प्रभाकर वस्त्रम के लिए काम कर रही हूँ मैं ड्रेस डिजाइनिंग का। टॉप 13 फैशन डिजाइनर में से मैं एक डिजाइनर हूँ। अभी मैंने अनादि मैम जो है, आरजे अनादि, उनके लिए ड्रेस डिजाइन किया है मैंने। वो की राजपूत और गुजराती पैटर्न दोनों मिक्स करके मैंने कुछ नया क्रिएटिव निकाला है, जो कि अधिकतर गर्ल्स जो हैं आज के समय में जो पोशाक हैं वो कैरी करना थोड़ा अफोर्ड करती हैं कि नहीं होता है हमसे, तो उसे थोड़ा सा न्यू लुक दिया है मैंने। जैसे कि ये ड्रेस भी जो मैंने पहनी है, अभी मैंने ड्रेस डिज़ाइन की है, और इसी पैटर्न में मैंने अनादि मैम के लिए भी ड्रेस डिज़ाइन की है। जी सर, प्रभाकर वस्त्रम की खासियत बहुत खासियत है, जो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, पर मुझे मैम ने बहुत सपोर्ट किया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे जज नहीं करती हैं कि उनकी एजुकेशन क्या है, बस वो एक काम देखती हैं, ये नहीं देखती है कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, कैसा भी हो, कैसे भी घर से हो, वो बस उसका नेचर ठीक होना चाहिए, ये नहीं देखेंगे कि वो पैसे वाला है या कम पैसे वाला, वो हर व्यक्ति को सपोर्ट करती हैं। जी जी, मोना मैडम ने मतलब मेरे को सपोर्ट किया है कि तुम पार्टिसिपेट करो, मैं मना कर रही थी, पर पूरा मतलब मैम ने मुझे पूरी हेल्प की है। जो ड्रेस डिज़ाइन की है मैम ने, मैंने अनादि मैम के लिए, उन्होंने ही मुझे फैब्रिक दिया है कि तुम ड्रेस डिज़ाइन करो, मैं सपोर्ट करूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार मैंने पोशाक पहनी है, और पहली बार मैं घूमर कार्यक्रम का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे जो पूरा कार्यक्रम है ये मोना कर रही हैं। और ख़ास बात ये है कि मोना प्रभाकर वस्त्रम जो उनका है, उसके लिए जो काम करती है, वो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है एक मिशन हम कह सकते हैं। वहाँ पर उनके पास जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, वो सब महिलाएँ हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो महिलाएँ हैं, मॉडल्स हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि मैं हमेशा मोना की इस बात के लिए तारीफ़ करती हूँ कि जो लड़कियाँ, जो महिलाएँ यहाँ काम करती हैं, वो एक तरह से आप देखें इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत, हम कह सकते हैं कि बहुत पिछड़े या बहुत ही निम्न वर्ग से वो आई हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सपोर्ट मोना उनको करती हैं, और ये लड़कियाँ इतना अच्छा करती हैं देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। संयुक्ता बनर्जी, इसमें ये खास है कि छत्राणियाँ का जो संस्कृति, जो हमारी परंपराएं जो चली आ रही है, उसी को लेकर आज घूमर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आप लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई आप लोग पूरा पोशाक में दिख रहा है, राजस्थानी ड्रेस में दिख रहा है आप लोग। राजपूत छत्री है, आपको छत्राणियाँ अपनी वेशभूषा में ही मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है मोना भाईसा का, वही तो दिल से आभार धन्यवाद कि जो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मोना भाईसा का बहुत बहुत आभार धन्यवाद।